हाय फ्रेंड्स, वेलकम होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विशेष राणा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने सुने, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय गल्फ जर्नी, हाउ आई गॉट फर्स्ट जॉब, हाउ आई गॉट 3 जॉब ऑल्सो। मतलब अभी तक मैंने 4 कंट्री में काम किया है। फर्स्ट दुबई, सेकेंड दोहा कतार, थर्ड इज बहरीन, फोर्थ इज सऊदी अरबिया। तो यहाँ मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, कैसे मैंने जॉब लिया, वो सारी चीज ये वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, होटल लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी जानते हैं, वो भी आज इंडिया में या दूसरा कोर्स करके इतनी सैलरी नहीं ले पा रहे जितना कि मैं ले पा रहा हूं। लेकिन आपको शर्त यही है कि हार्ड वर्क इसमें करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता है। जैसा कि बोलते हैं ना, जैसा बीज डालोगे ऐसा ही पाओगे, तो वही कहानी बहुत ही सही है वो कहानी। और आगे चलते हैं, कौन कौन से कंट्री में कैसे कैसे मैंने जॉब लिया, वो सारा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरा हर वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वॉच कर सकें। मैं अब इस चैनल पर मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, बाकी और कुछ नहीं है। मैं कुछ लिखता नहीं, स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी, बस यही है। तो देख लेते हैं अभी कौन कौन से कंट्री में कैसे मैंने जॉब ली। फर्स्ट जॉब इन दुबई, हाउ आई गॉट दैट आई विल टेल यू नाउ। फर्स्ट, मेरे एक रिलेटिव रहते थे दुबई में, उनके थ्रू मैंने अपना सीवी वहां शेयर किया, तो सीवी सेलेक्ट हुआ, जो भी है अच्छा लगा, तो दुबई से मेरे को कॉल आया। लेकिन उस पीरियड में मेरे को, मैं नया था और मेरा बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड था, इंग्लिश का भी पढ़ा नहीं था, तो इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम था। तो लेकिन इंग्लिश में क्या था कि मैंने जो, मैं कॉन्टिनेंटल बेस है, तो मैंने इंग्लिश की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी थी, जैसे कि पास्ता का हाउ आई कैन कुक पास्ता, बस ये वर्ड सोच के और बोल के प्रैक्टिस करके रखे थे मैंने। सूप 3-4 आई कैन कुक दिस सूप ऐसे करके। तो वहां से कॉल आया, तो कौन कौन से सॉस होते हैं, तो मैंने वो तो पहले ही याद करके रखा था, रट्टा मार कर रखा था कि ये सॉस होते हैं और इसके साथ में बना सकते हैं। तो वो था, 2-4 क्वेश्चन और थे, अभी मेरे को ध्यान नहीं होता ना। उसके बाद में जैसे ही मैं दुबई पहुंचा, वहां पर जो एक्जुडे शेफ थे वो जर्मनी से थे। अभी जर्मनी वालों का इंग्लिश तो आपको हमें बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को कुछ पूछा, व्हेन डिड यू केम हियर, अभी वो, मैं तो अभी धीरे बोला, लेकिन उन्होंने बहुत फास्ट बोला, तो मैं बोला ओके सर, थैंक यू। बाद में वो गुस्सा करने लगे, जो शेफ थे वहां पे, मैं तो जानता नहीं था, तो उनको बोले, तो उन्होंने मेरे को बाहर आके बोला, तेरे को समझ भी नहीं है शेफ ने क्या बोला, क्योंकि बड़े होटल था तो वो बड़े ही काम होते हैं सारे जगह पे। मैं बोला मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैंने वहां से बहुत इंसल्ट फील किया, और वहीं से मैंने 1 घंटे डेली इंग्लिश का प्रैक्टिस किया, रूम में जाके रैपिडेक्स बुक खरीदा वहीं दुबई में जाके, वहीं से मैं इंग्लिश का अपना पूरा प्रिपरेशन किया। आज मेरे को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर मैंने कभी खोल के नहीं देखा था, कंप्यूटर हाथ नहीं लगाया था होटल लाइन से पहले, फिर बाद में वहां पर लैपटॉप खरीदा, उसको दोस्त को पूछ पूछ के चलाना, बंद करना, रिस्टार्ट, शट डाउन करना वगैरह सारा चीज सीखा। तो ऐसे मैंने फर्स्ट जॉब लिया। उसके बाद में मैंने हर होटल में प्रमोशन लिया, ऐसा आज तक कोई होटल नहीं है जिधर मेरे को प्रमोशन नहीं मिला है। वहां पे मैं एज ए कॉमी 3 ज्वाइन किया, होटल का नाम है कैंपिंस की मॉल ऑफ एमिरेट्स, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है उसकी, 422 रूम का प्रॉपर्टी है, 6 आउटलेट है, 3-4 बैंक्वेट है इसमें,
बहुत बड़ा होटल है, मतलब कहने का ये है। तो मैं वहां पर के गिल करके एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है वहां काम किया था, वो बहुत ही क्लासिक रेस्टोरेंट है दुबई का। तो वहां फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट आपको मालूम है कैसे होते हैं, तो स्टेक हाउस भी बोल सकते हैं उसको, वहां काम किया। तो विद इन 14 मंथ में भी 9 मंथ आई गॉट प्रमोशन एज ए कॉमी टू, कॉमी थ्री से कॉमी टू वहां पर प्रमोशन मिला मेरे को। उसके बाद मैंने गूगल से ये सर्च करना सीखा कि हाउ आई अप्लाई टू अदर जॉब, तो कैसे कैसे जॉब पे अप्लाई और कर सकते हैं, दूसरा जॉब ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को मन में था कि 2 साल तक कॉमी टू कॉमी थ्री थोड़ी रहना मेरे को, लेकिन वहां कॉमी टू बना। अभी कैसे कैसे मैंने जॉब लिए वो ये वीडियो में लास्ट में बताऊंगा आपको। ये फर्स्ट जॉब ऐसे लिया था मैंने, बाकी 3 जॉब कैसे लिए वो ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैंने ऐसे ही जॉब पाया दोहा कतार और रोहताना होटल में, ये देख सकते हैं, ये भी करीब 450 रूम का प्रॉपर्टी है, 8 आउटलेट है, 9 बैंक्वेट है इसमें, बहुत सारे रूम डाइनिंग वगैरह सब कुछ है इसमें, और बहुत ही क्लासिक होटल है। और रोहताना जो ग्रुप है आपको बता दूं, गल्फ का बहुत ही क्लासिक ग्रुप है, और स्टाफ के लिए इसमें बहुत सारी फैसिलिटियां देते हैं। तो मैंने यहाँ पे और रोहताना में एज ए मैन किचन में कॉमी वन में जॉब लिया। उस समय पे क्या क्या वैकेंसियां बहुत होती थी, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैंने कॉमी वन में ज्वाइन किया। बाद में उनको मेरा काम अच्छा लगा तो 9 महीने बाद उन्होंने मेरे को एज ए DCDP बना दिया, वहां भी मैंने प्रमोशन लिया। और वहां सेलर करके एक रेस्टोरेंट है जो मिलियनों में बिजनेस करता है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाके सेलर और रोहताना होटल के अंदर, तो वहां पर एज ए DCDP मेरे को ट्रांसफर कर दिया वो आउटलेट से दूसरे आउटलेट में, तो वहां पर DCDP बना। उसके बाद में फिर मैं 3 साल इंडिया चला गया, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, फिर मैंने सोचा 3 साल के बाद में और कुछ थोड़ा सा और गल्फ कंट्री का विजिट किया जाए, जर्नी की जाए, तो फिर मैंने अपना अप्लाई चालू किया। कैसे किया वो सारा ये वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद में रामी ग्रांड होटल बहरीन में 176 रूम का प्रॉपर्टी है, ये भी 5-स्टार प्रॉपर्टी है। मैं भी जो भी अभी तक काम किया सिर्फ 5-स्टार प्रॉपर्टी में काम किया है। तो यहाँ पे एज ए सू शेफ में मैंने जॉब लिया और स्टार्ट किया। तो एज ए सू शेफ में स्टार्ट करने के बाद करीब 14 महीने बाद मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ का पोस्ट मिला, यहाँ भी मैंने प्रमोशन लिया। तो यहाँ टोटल 2 साल काम करने के बाद में यहाँ भी करीब 5 आउटलेट हैं, इसमें रू का है जो जापानीज है, इटालियन है, अरबिक है, इंडियन है, बैंक्वेट भी 4 बैंक्वेट है इसमें, और भी बहुत सारे चीजें हैं इसमें, बहुत बड़ा होटल है सारे। तो यहाँ पे मैंने जॉब लेने के बाद में फिर मैंने दोबारा अप्लाई करना चालू किया, मैं कि 2 साल हो गए अभी, 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे भी, थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ सारे होटल बहुत क्लासिक जगह पे काम किया है। फिर उसके बाद में दोबारा अप्लाई किया, तो आज मैं मस्जिद अल फातिम जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है और सऊदी में हूँ, अभी सऊदी में एज ए हेड शेफ में एज ए आउटलेट में काम कर रहा हूँ। ये किंगडम टावर का बिल्डिंग है, यहाँ इसके अंदर रेस्टोरेंट है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्लासिक बिल्डिंग है ये, यहाँ पे सारे क्लासिक ही लोग आते हैं, जो दुबई के किंग वगैरह हैं सारे लोग यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा है, कंपनी भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 4 कंट्री में अपना जॉब लिया और प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा फेस किए, जैसे कि काम करने का मेरे को टाइम कभी मैं देखता नहीं कि काम क्या, मैं टाइम खत्म नहीं करता कि मेरा 9 घंटे खत्म हो गए मैं चल दूं, मैं टाइम खत्म नहीं करता, मैं काम खत्म करता हूं उसके बाद ही जाता हूं, और काम खत्म करता हूं तो आज यहां पे हूं। इसलिए फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री ऐसा है कि आप जितना चाहो उतना पाओगे, मैंने पहले भी ये बताया, तो आप हार्डवर्क करो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिले। मेरा हर वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में मैं आपको शेयर करता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो शूट करता हूँ, बताता हूँ। मैंने वीडियो इसलिए चालू किया कि इससे आप लोगों को फायदा हो, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी शेयर कैसे करें मैं यही सोच रहा था। फ्री टाइम में मैं ड्यूटी के बाद में क्या करता था, सिर्फ मूवी देखता था, क्राइम पेट्रोल देखता था, कॉमेडी शो देखता था, लेकिन अभी मैंने मेरे को इसमें इंटरेस्ट हुआ, तो मैं सोचा कि अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी दोस्त हैं, सबको ये वीडियो के थ्रू में अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूं, जिससे उनको भी कुछ फायदा हो। तो फ्रेंड्स बने रहिए विद शेफराना, अभी देख ले। सो फ्रेंड्स नाउ टाइम टू शो हाउ आई गॉट दिस 4 जॉब्स इन गल्फ कंट्री।
पहला जॉब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कैसे लिया था, पर जो भी रिलेटिव थे उनके थ्रू लिया था। सेकंड जॉब और अक्षरतना दोहा कतार होटल में कैसे लिया था मैंने, वो मैंने औरक्स रोहताना होटल के कैरियर साइट पे अपना सीवी सबमिट किया था, तो उन लोगों ने मेरे को कॉल किया था, जैसे मैंने ये वीडियो में भी दिखाया है। इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, वो समझे थे ऐसे ही बनाया है, ये मैंने ऐसे जॉब लिया था इसीलिए वो वीडियो बनाया, आप ये वीडियो जाकर देखिए। उसके बाद में थर्ड जॉब मैंने लिंक्डइन, जो लिंक्डइन साइट है उसके थ्रू लिया था, और वहाँ कॉर्पोरेट एचआर जो है रामी ग्रैंड होटल के, उन्होंने वैकेंसी डाला था वहाँ अपना लिंक्डइन पे, तो वहां से लिया था। फोर्थ जॉब जो अभी मैं करंट में काम करता हूँ वो भी मैंने कैरियर साइट के थ्रू लिया था। तो कैरियर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना सीवी सबमिट वहां करके देखिए। और अभी चलते हैं क्या क्या जॉब अपने पास अवेलेबल है वो देख लेते हैं। आज के जो जॉब अवेलेबल हैं वो CDP पेस्ट्री, CDP हॉट किचन इंडियन, CDP हॉट किचन वेस्टर्न किचन, CDP हॉट किचन एशियन, DCDP हॉट किचन, कॉमीज भी चाहिए, और कैटरिंग कंपनी है ये UAE में है, और ये ईमेल आईडी है m.abbas90@yahoo.com। फ्रेंड्स आप अपने CV में जो नंबर करंट में चालू है वही डाला कीजिए, क्योंकि अभी कल परसों मेरे को कॉल भी आया था कि किसी बंदे ने नंबर डाला है तो, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।